देखिए सुषमा जी हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेता थी और ये कहें कि वो अपने छात्र जीवन से ही विचारधारा से जुड़ी थी और लंबे समय तक उन्होंने देश के लाखों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। वो एक प्रखर वक्ता थी और चिंतक थी। उनकी जो भाषण शैली थी उससे हर कोई प्रभावित होता था और इसलिए तमाम पक्ष विपक्ष उनका सम्मान करता था। वो विदेश मंत्री के नाते दिल्ली प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने देश की सेवा की और कई बार उत्तराखंड के हमारे जो नौजवान हैं जो विदेशों में किन्हीं कारणों से फंस जाते थे, नौकरियों में थे, उनको फंसा दिया जाता था। तो सुषमा जी को एक संदेश हम यहाँ से कर देते थे और उनकी वापसी की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती थी। उन्होंने देश में हिंदी भाषा के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत कष्ट का विषय है। मेरे व्यक्तिगत रूप से भी उनके साथ में अनेक चुनाव सभाओं में, कार्यकर्ताओं की मीटिंगों में मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला, उनका सानिध्य मौका मिला। व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये मानता हूँ कि हम दीदी दीदी बोलते थे, हमारे लिए एक बड़ी क्षति है, राष्ट्र की क्षति है, क्योंकि एक प्रतिभाशाली नेता जब चला जाता है तो उसकी क्षति राष्ट्र को होती है और वो हमारे बीच में नहीं गई, हमारी श्रद्धांजलि हमने आज राजकीय शोक के लिए।